Hello everyone, welcome to my channel Aditi's Crochet. So today I am here with this beautiful pattern of this Laddu Gopal Choli, which is for 0 to 1 size. And I am going to make this video in Hindi. So those who want to make me this video in English, please comment in the comment section. And for the further designs, please subscribe to my channel. I will also make Laddu Gopal dresses, which means after this choli, what you have to do, what designs you can make, I will also upload that. So please comment if you want it in English also. So let's begin. तो शुरू करते हैं. शुरू करने के लिए सबसे पहले हम एक इस तरह से स्लिप नॉट लगा लेंगे, इस तरह से. और फिर ज़ीरो और एक नंबर की ड्रेस बनाने के लिए हमें इसमें पहले 11 चेन्स बनानी है. तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. इस ड्रेस को बनाने के लिए मैं 2.5 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ. तो 11 चेन्स बना के इसके बाद आपको 3 चेन्स और बनानी हैं. इसके बाद हर स्टिच में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है. मतलब आपको ये पहले 3 छोड़ देने हैं और उसके बाद क्या करना है, हमें जो 11वां था हमें उसमें डबल क्रोशे बनाना है. मतलब जो हमने 3 एक्स्ट्रा स्टिचेस बनाए हैं वो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया यहाँ पे काउंट हो जाएगा. और इसी तरह से इस पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे. ये मैं 0 और 1 नंबर कान्हा ड्रेसेस के लिए चोली बना रही हूँ. तो इसी तरह आप इसको पूरा एक एक डबल क्रोशिया हर चेन में कंप्लीट कीजिए और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या करना है. सो देखिए, इस तरह से मैंने ये अपना एक एक डबल क्रोशिया हर उसमें करके यहाँ पे पहले की 3 चेन्स को मिला के मेरे पास हैं 12 डबल क्रोशिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अगली रो को शुरू करने के लिए यहाँ पे हम चेन 3 बनाएंगे और अपने काम को इस तरह से पलट लेंगे. इसके बाद बिल्कुल पहले वाले पे ही हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, बिल्कुल पहली चेन में. तो इस तरह से हमारे एक चेन पे अब 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं. अगले पे भी इसी तरह से हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और ये है 2, और इसी तरह अगले में भी 2 डबल क्रोशिए. तो इसका मतलब ये है कि हर स्पेस में हर डबल क्रोशे के ऊपर आपको 2 डबल क्रोशिए बनाने हैं. तो पहली रो में आपके पास अगर 12 डबल क्रोशिए थे तो अब आपके पास टोटल 24 होने चाहिए. तो मैं ये रो कंप्लीट करके उसके बाद आपको बताऊंगी कि क्या करना है. अब मैं बिल्कुल लास्ट में पहुंच गई हूं और अभी तक मैंने 11 डबल क्रोशिए पे काम किया है. और आप इस जो हमने ये चेन 3 बनाई थी तो इस पर काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आपके पास लास्ट में 22 ही डबल क्रोशिया बनेंगे. तो ये इस तरह से मैंने, ये देखिए मेरे पूरे डबल क्रोशिया, 24 डबल क्रोशिया यहाँ पे रेडी हैं. अब नेक्स्ट रो बनाने के से पहले यहाँ पे चेन 3 करके हम अपने काम को इस तरह से पलट देंगे. और अब क्या करना है हमें, अब हमें सबसे पहले ये एक डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा और इसके बाद हमें 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं. मतलब हमें टोटल 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं. एक, ये हो गए 2, इस डबल इस चेन को मिला के 2 हो गए, ये है 3 और 4. ठीक है, तो ये मैंने 4 बना लिए. उसके बाद आप 4 चेन्स को स्किप करेंगे, 1, 2, 3, 4, और पांचवें में आप बनाएंगे एक डबल क्रोशिया. और इसके बाद आप 8 डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाएंगे. तो ये जो हमने यहाँ पे गैप किया है ये कान्हा जी की बाजू के लिए हो गया. तो अब आप 1, 2, ये हो गए 3, 4, 5, 6 और 7. तो इस तरह से ये मैंने, सॉरी 7 के बाद एक और बनेगा, 8 बनेंगे, ये 8, ये आ जाएगी आपकी बैक.
ये आपकी ड्रेस का पीछे का हिस्सा आ गया। देखिए तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गए। तो अब क्या करना है आपको, अगली बाजू के लिए 4 चेन्स और छोड़नी है, 1, 2, 3, 4, और यहाँ से आपको फिर 4 डबल क्रोशिया फिर से बनाना शुरू करने हैं, 1, 2, 3, और ये आ गया लास्ट की चेन में सबसे ऊपर वाला, ये आ गया 4th डबल क्रोशिया। और इस तरह से ही आपकी चोली बनके रेडी हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, इस तरह से इसको हम फोल्ड करके जो यहाँ पे हमने चेन 3 बनाया था शुरू में उसके टॉप में हमें ये स्लिप स्टिच करके और एक चेन बना के इसको कट कर देना है। अब कट करके इसको इस तरह से हम निकाल देंगे और इस तरह से ये हमारी चोली बनके रेडी हो जाएगी। तो अभी मैंने ये 3 चोलियाँ बना रखी हैं और अगली वीडियोस में मैं आपको इसी तरह से बता दूंगी कि ये कैसे बनना है। और जिनको हिंदी समझने में मुश्किल होगी वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, तो मैं इंग्लिश में भी ये वीडियोस बना दूंगी। थैंक यू।